ओपीडी में मेडिसिन सहित ऑर्थो बाल रोग विशेषज्ञ सहित कुछ अन्य ओपीडी को चालू कर दिया गया है, जिसमें लगभग हर रोज दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में मरीज आ रहे हैं और उन मरीजों को अस्पताल द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए सभी मरीजों को सोशल डिस्टेंस गोले में खड़ा किया जा रहा है, जिससे जो मरीज अलग अलग जगहों से आए हुए हैं उनकी दूरी भी बनी रहे और कोई भी एक दूसरे से संक्रमित ना हो सके। वहीं ओपीडी के डॉक्टरों द्वारा भी एक एक कर मरीजों को सोशल डिस्टेंस बनाकर देखा जा रहा है और मरीजों को संक्रमण से बचने के लिए खान पान के बारे में भी बताया जा रहा है। बाबू ना पानी पियो, रोटी उठी ना पियो, रोटी पियो खाओगे तो बीमारी होगी तुमको। ना पानी पियो, दवाई लीजिए, दवाई खाओ, ठीक है? क्या नाम है? श्वेता। दवा लिखा गया है? ठीक है। क्या दवा लिखा गया है? एक दवा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बी के सुमन ने बताया, लॉकडाउन के बावजूद भी मरीज जिला अस्पताल में आ रहे हैं और हर तरह के मरीज हैं, खांसी जुकाम वाले मरीज भी हैं, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कुछ कमर दर्द के मरीज हैं, कुछ पेट में दर्द के मरीज हैं, मैंने हर तरह के हर जो शरीर के जो भी विभाग हैं उसके मरीज आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा रही है, डेढ़ डेढ़ मीटर की दूरी पे मरीजों को खड़ा कराया जा रहा है, मरीज से अपनी भी दूरी बना करके उनसे समस्या पूछ के उसकी दवा लिख दी जा रही है, जो जांच संभव जांच करा दी जा रही है। मरीजों की संख्या ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, संख्या जो है बताने से तभी देखिए, मैं आज 66 मरीज देखा हूँ, कल 54 मरीज देखा था, तो इस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हर ओपीडी में मरीज, यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट का ही ओपीडी चल रही है, फ्लू क्लिनिक करके, ठीक है, और उसमें फ्लू क्लिनिक नाम पर हर तरह के मरीज आ रहे हैं, देखा जाए।